बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खबर शबर के प्रोग्राम में मैं हूं एएसके, मैं हूं एमएफके, हम दोनों की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक लड़का बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और तकरीबन वो स्टार बन चुका है, और उसकी वजह सिर्फ टिकटॉक के ऊपर वायरल होने वाली वीडियोज़ थी, और आज उसका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और काफ़ी फेमस जा रहा है। तो हमने बहुत कोशिश की कि उनको ढूंढें, लेकिन वो तो नहीं मिले, लेकिन उनके भाई को हमने आज ढूंढ लिया है। तो आज हम उसके भाई के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं फुल्लू की बात कर रहा हूं। आज आपको फुल्लू के छोटे भाई से बात करवाएंगे। जी आइए, जी जी आइए, आ जाइए, ये इधर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक। जी आप कैमरे में देख लें, मैं समझता हूँ आपने कभी कैमरे में बात नहीं की होगी, तो ये कैमरा है, आपको सिस्टर ब्रदर इधर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर ब्रदर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम छुल्लू है। छुल्लू कैसे यार? भाई उसका नाम मेरे वो है ना रिश्तेदार, उन्होंने रखा था फुल्लू, और उसके बाद मैंने सोचा मैं कोई ऐसा नाम रखूँ जो मैं भी फेमस हो जाऊँ। अच्छा, तो मैंने रख लिया छुल्लू। अच्छा नाम है, माशाल्लाह प्यारा नाम है। तो आप ये बताएंगे कि फुल्लू आजकल किधर है? हमने भी बड़ी ढूंढने की कोशिश की, आपको मिलता है, हमें तो नहीं मिला। फुल्लू फारग हो गया, पहले पट्ठे वाड़ लेंदा सी, असा घर काम कर लेंदे सा। अच्छा। मज्जा रखियां सन, दुध शुद्ध पीता सी, हुण उन्नू शहर दे बंदे लै गए ने। अच्छा। ते सानू भी जलील करन दिया है, असा सही धड़ी काम करदे हैं, तूड़ियां चुकदे हैं, पट्ठे धोने हैं, ओ जलील करन दिया अपना उत्थे सेल्फीयां बना बना। तो फेमस हो गया, अच्छे पैसे भी कमा रहा, तो आपको पैसे नहीं देता कोई? पैसे खे देंदा, आवाजारी नहीं रही, रोज़ गड्डियाँ आंदियाँ आते हैं, पता नहीं इतने ब्याह शादी की रौला, ना कोई पैसे ना पूसे, सैल्फियाँ बना के चल जाते हैं, वो आप मशहूर हो जाते हैं। तो आपने कोशिश नहीं की कि आप भी फुल्लू की तरह एक वीडियो बनाए, फेमस हो जाए? असा फेमस की होना, असा पट्ठे तो वेले होइए, तो फेमस होइए, असा तो जलील हो देखे ना, उसने भी तो टाइम निकाला है ना। फुल्लू ने टाइम नहीं कटे, असा टाइम दिता। अच्छा, तो मतलब आपको उसके साथ शिकायत है कि आपको वो टाइम नहीं देता, आपके साथ वो उस तरह से आके घास नहीं काटता, इस तरह की घास की मतलब असा किसी को नौकरी करते हैं, गरीब बंदे हैं सर, मतलब रात को रोटी पकानी होती है, कोई मसले मसायल होते हैं, उन्होंने तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो ये गलत बात है कि आप जो है ना फुल्लू का भाई जो है ना आप देख लें शिकायतें कर रहा है उसके बारे में कि फुल्लू हमें टाइम नहीं देते, घास फूस नहीं कटवाते, उनके साथ जो है ना भैंसों का चारा वगैरह तैयार करना होता है। असा किसी पाने काम करते हैं, उदा काम करना पैंदा, हुण असा कल्ले फस गए, फुल्लू तो निकल गया, काम तो हुंदा सी, कर्जा वगैरह तो नहीं लिया हुआ? कर्जा लिया 5 लाख रुपया। तो वो कर्जा देने में भी फुल्लू मदद नहीं कर रहा? नहीं नहीं, उसको साढ़े को ले जाता है, तो माजी खोल के ले गया। तो मतलब वो मतलब वो जो कपड़े वगैरह पहनता है, ड्रेसिंग करता, वो घर से कर रहा है कि बाहर लेके देते हैं? वो इतों लैके देने असा, वो टिकटॉक वाले की देने उन्होंने, सिर्फ सेल्फी बनाते हैं, होर की करते हैं, मतलब फेमस होकर उल्टा आपको तो नुकसान हो गया। तो नुकसान ही नुकसान है। चलो भाई कोई मसला नहीं है, मतलब हम इस वीडियो की तोसत से ही, मतलब आप जो कहना चाहें, मेरा एक पैगाम है भी ये जी टिकटॉक ने जलील करन दी सानू, अगर टिकटॉक बंद हो जाती चंगा सी, लेकिन हुण फेमस तो हो गया सानू पता है, लेकिन असा तो जलील होन दे है ना। नहीं, हो सकता है कुछ अरसे बाद उसको समझ आ जाए और वो वापस आपके पास आ जाए। हुण वापसी का कोई रास्ता नहीं है, एक तो पट्ठे नहीं मार सकता, ये बात तो आपकी। शहरी बंदे तरह रह लग पे, पिछली वीडियो तो हमने देखी है, वो गांव में बना रहा था, वो कह रहा मैं प्रॉपर गांव, बस प्रॉपर गांव की रहा, जो इतने कोई वीडियो बनानी उदो आता है बस। अच्छा, मतलब आपको टाइम नहीं दे रहा वो? मैनू की टाइम देना, तो पट्ठे वढ़ने पैंदे ने, वो टाइम घर वालों को पता नहीं कैसे गल्ला करना पे, घर वालों को भी टाइम नहीं देता बेचारे, ये जो भाई हैं उनके ये हर्ट हुए हुए हैं, इसलिए ये इस तरह का है। आपका फोन आ रहा है शायद, ये क्या फुल्लू भाई का, ये देख लें जरा, फुल्लू नहीं मालक दा आ गया। चले उसको कहें मैं थोड़ी देर बाद बात कर लेता हूँ, अभी इंटरव्यू चल रहा है मेरा। हाँ जी सर जी, कैमरे की तरफ देख लें अगर पीछे, मेहरबानी सर थोड़ी देर तक गल कर दें, पट्ठे पा लीजिए, आप मुंडे आए ना उन्होंने मिल दिए। चलें चलें, क्या कह रहे हैं मालक? मालक कह रहे हैं आके दो चो। चलें ठीक है, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे लिए फुल्लू की जगह पे ही हैं, आप मिल गए हम कोई मसला नहीं, ऐसा तिथि मिलेंगे इंशाल्लाह जो है, मतलब हमारी कोशिश है कि हम फुल्लू से भी मिलें और ये वीडियो वो देखें, अगर तो आपके पास आए, आपकी मुश्किलात वैसे वो नहीं सुनते होंगे, तो आपकी मुश्किलात भी वो सुनेंगे। अगर वो काम नहीं कर सकता तो वो फिर कोई सानू नौकर रख दे, पैसे पूसे मतलब कोई साड़ी गल पहुंचे सही, वो देखो
ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਗਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੇ ਅਸਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫੁੱਲੂ ਕੋ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਆਏਗਾ ਵਾਪਸ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਵੀ ਸਿਲਾ ਦੇਗਾ ਇਸਕਾ ਛੁਲੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਛੁਲੂ ਰੱਖ ਲਈ ਚਲੇ ਖੈਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੈਲ ਕਾ ਆਈਕਨ ਆਏਗਾ ਉਸਕੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।